नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर जिला पंजीयन कार्यालय को इस बार राज्य शासन की तरफ से 3,077 करोड़ का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। इन राज्यों में शासन की तरफ से प्राप्त लक्ष्य के संबंध में वरिष्ठ जिला पंजीयन दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल का लक्ष्य 2,540 करोड़ था, जिसकी तुलना में 2,410 करोड़ के करीब हमने टारगेट अचीव किया था, किंतु इस बार लक्ष्य बढ़ाकर 3,077 करोड़ दिया है और हमें उम्मीद है कि हम इस शासन द्वारा दिया गया राजस्व लक्ष्य को समय रहते पूर्ण कर लेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। आज दिनांक तक पूरे जिले में 62,000 से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है और वर्तमान में 3,077 करोड़ की तुलना में 811 करोड़ का राजस्व आ चुका है। प्रतिदिन 300 से लेकर 700 दस्तावेजों का पंजीयन होता है और जिस तरह से इस बात शहर के विशेष क्षेत्र में गाइडलाइन को बढ़ाई गई है, उससे हम उम्मीद है कि जो लक्ष्य हमें मिला है हम उसे प्राप्त कर लेंगे। पूरे इंदौर ज़िले की यदि बात की जाए तो 3,077 करोड़ का लक्ष्य इस फाइनेंशियल ईयर में हमको मिला है और इसकी तुलना में 811 करोड़ की इनकम आज तक हो चुकी है। इस दौरान 62,000 से ज़्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। अभी जो ट्रेंड है उसके करीब 11-12% की वृद्धि है इनकम में और दस्तावेजों में। हालांकि लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है पर हमारा पूरा प्रयास है कि ये पूरा हो। हाँ, वो यही जाने क्योंकि पिछली बार भी लक्ष्य जो है 2500 कुछ का था, वो भी अचीव करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, इस बार और बढ़कर आ गया, तो कैसे हो गया सर इस बार? एक्चुअल में क्या है कि लक्ष्य हमेशा महत्वाकांक्षी इसलिए रखा जाता है कि हमारे सामने एक बड़ा टारगेट जब होता है तो हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करते हैं। तो निश्चित रूप से पिछली बार 2540 करोड़ टारगेट था और 2414 करोड़ की इनकम हुई, 96% हमने प्राप्त किया। इस बार 3000 करोड़ से ज़्यादा का टारगेट है, टारगेट बहुत महत्वाकांक्षी है। पर जिस तरह से इंदौर में रियल इस्टेट की ग्रोथ है, बड़े ग्रुप्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ये लक्ष्य के आसपास हम रहेंगे। मैं दीपक कुमार शर्मा, वरिष्ठ जिला पंजीयक, इंदौर। एक टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।